हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियो बना रहे हैं आज हम। 13B पार्ट हमारा चल रहा है, थर्ड तीसरा पार्ट चल रहा है बेटा। इससे पहले भी पिछली वीडियो हमने इसके श्लोकों का हिंदी अर्थ किया, शब्दार्थों को पढ़ा, फिर इसके अलावा हमने इसके सह प्रसंग और संस्कृत व्याख्या को भी समझा और लिखा। तो आज हम इस वीडियो में इसका जो श्लोक नंबर 9 है, यानी 8 तक हम पढ़ चुके हैं, श्लोक नंबर जो 9 है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल अहर्ति। वापस सुने। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल अहर्ति। ये बेटा श्लोक भी अमृत वाग्भाचार्य से लिया गया है। तो देखो, यस्य जिसका, जिसका जिस भूमि में पितृभूतम पैतृक भाव, यानी पूर्वजों का भाव, यानी जिसे वो अपने पूर्वजों की भूमि और पुण्यभूतम पवित्र भूमि न विद्यते, द्वयो न विद्यते, दोनों नहीं मानता है। यानी कि जिस व्यक्ति का जिस भूमि में पैतृक भाव यानी पूर्वजों का भाव और पवित्रता का भाव यानी कि जन्म भूमि का भाव नहीं होता है, तत्र वहां राष्ट्रे उस राष्ट्र में, उस देश में, तस्य उसका स्वत्वम अपनत्व का भाव, अपनत्व यानी होता है अपनेपन का भाव, न किल अहर्ति, नहीं होता है। अर्थात बेटा, समझने का अर्थ यहां पर क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है कि व्यक्ति जिसे अपने पूर्वजों का देश, पूर्वजों की भूमि, पूर्वज यानी कि उसके दादा, उसके पिता, उसके परदादा, इन सभी का जन्म जहां हुआ है, तो जो व्यक्ति जिस भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि या फिर अपनी जन्म भूमि नहीं मानता है, तो वहां उस भूमि पर या उस भूमि के प्रति उस व्यक्ति का अपनेपन का भाव नहीं होता है। समझ आया बेटा आपको? फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि आपका घर है, आप अपने घर में आजादी से, स्वतंत्रता से घूमते फिरते, बैठते, खाना खाते, बातें करते, सोते हो इच्छा अनुसार। लेकिन यही चीज जब आप किसी और घर जाते हो तो वहां इसका बिल्कुल विपरीत होता है। यानी कि आप वहां बड़े तरीके से बात करते हो, बैठते हो, तरीके से खाना खाते हो और निवास भी दूसरे के अनुसार करते हो, अपने अनुसार नहीं कर सकते। तो इसलिए जहां व्यक्ति को अपनेपन का भाव होता है उसी भूमि को वह अपना समझता है। ठीक है बेटा? तो इसलिए ध्यान रखना, कवि क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति का जिस भूमि में पैतृक यानी पूर्वजों का और अपनी जन्म भूमि या पवित्रता का भाव नहीं होता है, उस देश के प्रति या उस भूमि के प्रति उस व्यक्ति का अपनेपन का या अपनत्व का भाव नहीं होता है। तो इसमें आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं। हिंदी अनुवाद के लिए वही श्लोक स्टार्टिंग, फिर डॉट डॉट लास्ट शब्द लिखना है, फिर ये हिंदी अर्थ लिखना है, इसके बाद सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखी हुई। देखो बेटा, इसमें शुरू में सह प्रसंग लिखना है कि श्लोक अयम अस्माकम स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्धृतः। मूलतः अयम श्लोक है श्रीमद अमृत वाग्भाचार्य महोदय कृत राष्ट्र वेदात संकलित अस्ति। श्लोक अस्मिन् कवि कथयति यत यस्य पितृभूतम मातृभूतम च भावम न भवति तस्य स्वत्वम अपि न भवति। यह आपको सह प्रसंग लिखना है। इसके बाद में संस्कृत व्याख्या लिखनी है आपको, जो मैंने यह लिखा हुआ है। देखो, देख रहे हो आप कि यहाँ पितु भूमे भाव मातृ भूमे च पवन भूमे भाव यस्य हृदय न भवति तस्य राष्ट्रे स्वामित्वम आत्मीयता वा न भवति। यानी ये आपको यहाँ पर संस्कृत व्याख्या यहां तक करनी है बेटा।
ठीक है, वा न भवति, यहां तक व्याख्या लिखनी है और ये कंप्लीट हो गया इस व्याख्या से। तो आप समझ गए, ये वाला काम भी आप किसमें करना है, आपको HW की कॉपी में करना है, हिंदी अनुवाद भी और संस्कृत व्याख्या भी, ये आपको हिंदी अनुवाद यानी HW कॉपी में करना है। समझ गए दोनों चीजें। और इसके बाद बेटा इसमें एक ध्यान, मैंने पहले बताया था कि जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखना है आपको, ये व्याख्या के अंदर जो लिखा है, ठीक है, हिंदी हिंदी अनुवाद में रहेगा, सिर्फ हिंदी में रहेगी हिंदी अनुवाद के अंदर, बाकी सब में संस्कृत रहेगा। सह प्रसंग में भी संस्कृत करना है और संस्कृत व्याख्या के अंदर भी संस्कृत लिखना है, यहां तक आपको। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है 10वां, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रयान अवलंब ही भवते सर्वदा तस्मात शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। ये भी अमृत वाग्वाचार्य से लिया गया है। तो देखो बेटा, राष्ट्रस्य देश का या राष्ट्र का उत्थान पतने यानी कि उन्नति और अवनति, राष्ट्र की उन्नति और अवनति यानी कि पतन राष्ट्रयान अवलंबे ही राष्ट्र के निवासियों पर निर्भर करता है, यानी देश के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उन लोगों पर ही देश का विकास और पतन निर्भर करता है। यानी वो अच्छे कर्म करते हैं, नई नई खोज करते हैं, नए नए कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, देश का उन्नति होती है, देश आगे बढ़ता है, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश का पतन हो जाता है। तो देश, किसी भी देश का विकास होना उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। तो राष्ट्र का उत्थान यानी उन्नति और पतन देश के निवासियों या राष्ट्र के निवासियों पर निर्भर है, इसलिए सर्वदा हमेशा राष्ट्र या राष्ट्र के निवासियों को तस्मात उनके शिक्षणीयास्तित भवत है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी देश के प्रति भलाई से युक्त जो शिक्षा है या देश के विकास की जो शिक्षा है, ये वहां के निवासियों को प्रदान की जानी चाहिए। वापस सुने, राष्ट्र का उत्थान और पतन हमेशा राष्ट्र के निवासियों पर निर्भर करता है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र की देशभक्ति की जो शिक्षा है वो वहां के निवासियों को अवश्य ही हमेशा ही देनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको इसका हिंदी अनुवाद बेटा। तो देखिए इसमें, इसमें वही शब्दार्थ है, ये भी आपका करना है, आपको लर्न करना है शब्दार्थ, फिर हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, ये बताई दिया कैसे करते हैं, श्लोक को लिखते हैं स्टार्टिंग, फिर डॉट डॉट लास्ट शब्द, फिर हिंदी अर्थ लिखना है इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संस्कृत जो व्याख्या है। जो इसमें देखो पहला क्या है, सह प्रसंग, इसमें श्लोक अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदना इति स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठाद उद्धृत है। श्लोक अयम मूलतः श्रीमद अमृत वाग्वाचार रचितात् राष्ट्र वेदात् संकलित अस्ति। श्लोक अस्मिन् कवि राष्ट्रस्य अवतन औन्नत्यो कारणम शिक्षाम प्रतिपादयति। ये बेटा आपको लिखना है। फिर इसके बाद संस्कृत व्याख्या है कि राष्ट्रे वास्तव्यान आश्रित एव राष्ट्रस्य उन्नति अवनति वा संभवति, अतः राष्ट्रस्य निवासिन सदैव शिक्षिता भवेयु। तो ये आपको भवेयु तक लिखना है, ठीक है बेटा, यहाँ तक भवेयु तक लिखना है। और इस प्रकार ये संस्कृत व्याख्या कंप्लीट हो गई, और ये भी आपको HW की कॉपी में ही लिखनी है। जाके बेटा पहले श्लोक लिखना है एक लाइन में शॉर्टकट तरीके से, फिर आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है HW कॉपी में, फिर इसके बाद आपको सैब एक लाइन छोड़ के सैब प्रसंग लिखना है यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको इसकी संस्कृत व्याख्या लिखनी है राष्ट्र से भवेयु तक। इस प्रकार ये आपका 10वां श्लोक कंप्लीट होता है जो आपको होमवर्क में करना है। और इसके बाद इस पार्ट का जो लास्ट श्लोक है 11, उसको पढ़ते हैं हम। देखो बेटा ध्यानपूर्वक सुनिए इसके बारे में। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्रम शास्त्रम यानी विद्या शास्त्र, विद्या शास्त्र और शस्त्रम शास्त्रम और शस्त्र शास्त्र, ये द्वे विधे प्रतिपत्ते, ये दो प्रकार के ज्ञान या विद्याएं बताई गई हैं। बेटा दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक तो होता है विद्या शास्त्र यानी विद्या रूपी ज्ञान, एक होता है शस्त्र शास्त्र यानी शस्त्र रूपी ज्ञान।
एक तो किसी को वेद उपनिषद आदि का रामायण महाभारत आदि का ज्ञान प्रदान किया जाए, ये तो विद्यारूपी ज्ञान हो गया। और शस्त्र रूपी ज्ञान क्या होता है, किसी को धनुर्विद्या, किसी को तलवार, किसी को गदा, इस प्रकार ये जो हम सिखाते हैं प्रहार करना, भाला चलाना, ये सब शस्त्र विद्या के अंतर्गत आता है। तो कवि कहता है कि विद्या शास्त्र और शस्त्र शास्त्र ये दो प्रकार की ही विद्याएं होती हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र देश की रक्षिते, रक्षा करने के बाद ही शास्त्र चर्चा, यानी कि शास्त्रों की चर्चा की, यानी शास्त्रों की विषय में जानकारी या कह सकते हो शास्त्रों के विषय में ज्ञान प्रवर्तते प्राप्त करना चाहिए। यानी कि जब देश में झगड़ा युद्ध चल रहा हो तो पहले शस्त्र के द्वारा देश में शांति करो, और जब शांति हो जाए तो उसके बाद ही शास्त्र यानी ज्ञान के विषय में चर्चा या बातचीत करनी चाहिए। वापस सुने, विद्या शास्त्र और शस्त्र शास्त्र ये दो प्रकार की ही विद्याएं या ज्ञान बताए गए हैं। शस्त्र रूपी ज्ञान के द्वारा देश की रक्षा करने के बाद ही शास्त्र रूपी जो ज्ञान है इसकी चर्चा करनी चाहिए या इसके विषय में बातचीत करनी चाहिए। तो समझ आ गया बेटा, ये चाणक्य से लिया गया है ये श्लोक। अब इसमें वही शब्दार्थ ये आपको लर्न करना है, फिर हिंदी अनुवाद है ये आपको SW कॉपी में करना है। इसके बाद सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखी हुई है, देख सकते हो आप। ये सह प्रसंग में आपको यहाँ श्लोक के एम से लेकर भावती तक लिखना है, और इसके बाद में संस्कृत व्याख्या है ये आपको यहाँ से लेकर ज्ञान प्राप्ति से लेकर और शक कहते तक लिखना है। और ये कार्य भी आपको आप HW की कॉपी में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, HW की कॉपी में इस कार्य को आपको करना है। ठीक है बेटा, तो पहले श्लोक शॉर्टकट लिखना है, फिर हिंदी अर्थ करना है इसका HW कॉपी में, फिर सह प्रसंग लिखना है, और उसके बाद संस्कृत व्याख्या लिखनी है आपको। तो ध्यान रहे बेटा, ये आपको इस प्रकार कंप्लीट करना है। और इसमें जो व्याख्या है कि ज्ञान प्राप्त विद्या चे द्विविधे भवत, एका शस्त्र विद्या भवति, द्वितीया च शास्त्र विद्या भवति। शस्त्र विद्या मानव देशस्य रक्षणाय समर्थ भवति, और राष्ट्रस्मिन् शस्त्रेण सुरक्षित भवति। यत् राष्ट्रे शस्त्र बलेन शत्रु भया सुरक्षित भवति, तथैव शास्त्र विद्या पाठितुम च शक्यते। तो ये आपको यहाँ तक शक्यते तक लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो बस इतना ही, और इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स।